हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हाउ टू मेक ऑटोमेटिक यूट्यूब सब्सक्राइबर लिंक। जी हाँ दोस्तों, आप अपना ऑटोमेटिक सब्सक्राइबर लिंक कैसे जनरेट कर सकते हैं, जो आपको ज़रूरत पड़ता है आपका ब्लॉग या वेबसाइट या कभी कभी आपका डिस्क्रिप्शन में। तो ये मैं दो तरीका इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को एंड जानिए कैसे बनाएंगे सब्सक्राइबर लिंक, ऑटो सब्सक्राइबर लिंक। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो का नीचे देखिए एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस बटन को क्लिक कर दीजिए। साथ में राइट साइड में और एक आ जाता है बेल आइकन, तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो डैट आपको कोई भी नोटिफिकेशन हो तुरंत मिलेगा और हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक वीडियो ओपन करके रखा हूँ जो मिस्टर टेक्निकल गुरु जी का है। तो यहाँ से जैसे मैं डिस्क्रिप्शन में जाता हूँ शो मोर, तो यहाँ पे वो लोग देख सकते हैं आप कि सब्सक्राइबर लिंक एक जनरेट करके रखे हुए हैं। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं तो देखिए किस तरह ये काम करता है। ओके फ्रेंड्स, आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे कंफर्मेशन मांग रहा है कि सब्सक्रिप्शन लिंक के लिए, तो यहाँ से डायरेक्ट वो सब्सक्राइब हो जाता है। तो ऐसे ही मैंने और एक बना के रखा हूँ, तो ये उसको भी देख सकते हैं। ओके, मैं यहाँ से 7 Star Media का हमारा खुद का मैंने कैसे लिंक जनरेट करके रखा हूँ, तो यहाँ से भी देख सकते हैं कैसे वो कंफर्मेशन मांग रहा है। देखिए यहाँ से भी वो कंफर्मेशन मांगना शुरू कर दिया, लेकिन ये दोनों URL में डिफरेंस बता देता हूँ। मैं ये दोनों URL आपको दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर देखिए YouTube.com user एंड 7 Star Media। अगर आप यूजर सिस्टम आपका ऑलरेडी URL मिला हुआ है तो इस तरह लिखिए, उसके बाद में ये लिखिए। सिर्फ आपको जैसे 7 Star Media का जगह तो आप अपना यूजर चुन लीजिए। ओके, एंड सेकेंड थिंग, टेक्निकल गुरुजी में इसमें क्या लिखा हुआ, चैनल और उसका एक URL। URL मतलब यहाँ से अगर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी लिंक एड्रेस करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे, तो यहाँ से देखिए लास्ट का आपका ये चैनल का ID मिलता है। तो इस चीज़ को इतना ही आपको कॉपी करना है, कॉपी करके इस जगह में आपको पेस्ट करना है, यहाँ तक अप टू क्वेश्चन मार्क। तो उसके बाद में क्या होगा, तो ये ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देगा। तो इसको आपका कोई भी वेबसाइट या ब्लॉग में भी आप डाल सकते हैं। तो ये था हमारा पहला ट्रिक्स या पहला तरीका जो आपको सब्सक्रिप्शन लिंक को डायरेक्ट लिख जाएगा। एंड अब बात करेंगे हम सेकंड लिंक के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये लिंक एक गूगल का डायरेक्ट प्रोवाइडेड है, तो ये लिंक को मैं आपको जस्ट वेट, लिंक को आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये गूगल ऑटोमेटिक दिया है जिसका थ्रू में आप डायरेक्ट URL आपका वेबसाइट आपका ब्लॉग के लिए बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है चैनल ID, ठीक है। तो यहाँ पे गूगल डेवलपर्स लिखा हुआ है, लेआउट ये डिफॉल्ट लिखा है, तो इसको आप फुल करिए। जैसे आप फुल करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका लोगो और नेम एंड कितना सब्सक्राइबर, ये सारे डिटेल्स यहाँ से आ गया। तो यहाँ पे अगर आपको सिंपल में जैसे मैं अपना डायरेक्ट करके देखता हूँ, देखिए मैंने सब्सक्राइब मेरा कितना सब्सक्राइबर है इसको हाइड करके रखा हूँ, तो इस वजह से मेरा दिख नहीं रहा है, लेकिन जो भी है यहाँ पे आपको प्रीव्यू आ गया। तो सिंपल में ये कोड को आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके आपका ब्लॉग या वेबसाइट में डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपना साइट में ये डाला हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखिए शर्मा जी टेक्निकल, ये सब 2-3 अलग अलग मैंने डाल के रखा हूँ। तो यहाँ पे लॉगिन करके मैं दिखा भी देता हूँ कि किस तरह ये काम करता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ मेरा वर्डप्रेस अकाउंट में। जैसे ही लॉगिन कर चुका हूँ तो ये पेज जैसे आपका ओपन हो रहा है, तो यहाँ से मैं एडिट पोस्ट में जाता हूँ। तो यहाँ से दो ऑप्शन आपको देख रहा है, विजुअल एंड टेक्स्ट। तो विजुअल में जाके आप टेक्स्ट में चला जाइए, तो यहाँ से बहुत सारे कोडिंग आपको दिखा हुआ नजर आएगा, तो ये सारे कोड को आप डिलीट कर दीजिए। एंड आप जैसे आप यहाँ से आप जनरेट किए थे तो ये लिंक को आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया, जहाँ पे चाहिए यहाँ पे ये कोडिंग को पेस्ट कर देंगे और इसको अपडेट कर देंगे। तो इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक तो आप यहाँ से शो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक 7 Star Media ये डाटा आ गया। तो ये डायरेक्ट आकर लॉग इन होगा लिखा हुआ है, देखिए आप ध्यान से देख सकते हैं साइन इन टू सब्सक्राइब। अगर आपका ऑटोमेटिक लॉग इन होगा एक क्लिक में सब्सक्रिप्शन हो जाएगा और यहाँ से भी सारा डाटा आपको व्यू हो पाएगा।
सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये दो तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए एंड इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिखिए, जो हम आप लोगों को कोशिश करेंगे कि सॉल्व करने के लिए। सो हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।